नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्स के प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है आपका। और जीके जीएस का जो सेक्शन है अपना, वीडियो में 50 प्रश्न आने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग जो पॉलिटी का है, सेकंड लास्ट वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कवर कर देंगे और उसके बाद जो आएगा वीडियो वो लास्ट पार्ट रहेगा पॉलिटी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी शुरू कर देंगे, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं 2015 से लेकर के 2022 तक। क्योंकि SSSC ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न बायोलॉजी से आए हैं। ये पॉलिटी खत्म करने के बाद हम लोग बायोलॉजी शुरू कर देंगे, ठीक। ये सेकेंड लास्ट पार्ट है पॉलिटी का, तो फटाफट देख के इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अपना जो अगला चैप्टर है पांचवा, ये क्या है? संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलिए, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, वो ये कह रहा है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। देखिए, संघ कार्यकारिणी में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों शामिल है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ये राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं, ठीक है, ना कि संघ की कार्यकारिणी में। इसी बात पर राष्ट्रपति बताइए, आर्टिकल 52 में बात की गई है, उपराष्ट्रपति की आर्टिकल 63 में बात की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया 66 में, राष्ट्रपति का 55 में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 54 में, कौन कौन? हाँ बिल्कुल, संसद के दोनों सदस्यों के, दोनों सदनों के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित, ठीक है। उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित दोनों, ये लोग शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक बहुसंघ सिद्धांत जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? बहुमुख्य, बहुसंख्य नहीं, बहुमुख्य सिद्धांत। देखिए, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत भी है उसमें, लेकिन कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, आर्टिकल 75 में बात की गई है, कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। यही जो है एक तरह से मुख्य सिद्धांत है संसदीय प्रणाली का। और कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने कभी भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो वीपी सिंह है अपने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, इन्होंने कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने, और ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये, ठीक। तो बाकी लोग जो मोरारजी देसाई हैं, देवीलाल हैं, लाल कृष्ण अडवाणी हैं, ये लोग वाइस प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं, उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा की कुल संख्या का 15% है ना, ये एक्चुअली जो है 91st अमेंडमेंट हुआ था अपना एक, जिसमें ये बोला गया था कि जो मंत्रिमंडल का जो एक साइज रहेगा, एक आकार रहेगा, वो सदन के, मतलब लोकसभा, जैसे लोकसभा 75 की तरह, तो लोकसभा का 15% हो जाएगा, ठीक है। और 15% जितनी संख्या है उसकी, जैसे राज्य वाली बात कर दिया, तो आर्टिकल 164 के अनुसार जितनी संख्या दे रखी है उसमें, तो उसके हिसाब से उसका 15% हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा मंत्रिमंडल में, ठीक। तो 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, 91वां 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान किया गया था, ठीक है। और इसी के तहत दल बदल जो वो है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए कि अगर इसमें मान लीजिए कि इसमें 40 से कम संख्या है ना, जिसमें 40 से कम, जिसमें मंत्रिमंडल, जिसे मान लीजिए जिसमें जो वो साइज कम है उसका, उसमें क्या है कि रुकिएगा 1 मिनट, जिसमें, हाँ, जिसमें सदन की संख्या जो 40 है या उससे कम है, तो उसमें अधिकतम 12 12 मान लिए जाएंगे, 12 मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ठीक है। चलिए, 91st अमेंडमेंट हो गया मंत्रिमंडल, ये आर्टिकल 75 है, ठीक है, आर्टिकल है ये, तो ये भी आर्टिकल है, ये राज्य के लिए, वो केंद्र के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संविधान की सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है, वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त जाते हैं या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो, तो 65 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसका जो बात किया गया है आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक बात किया गया है चुनाव आयुक्त के बारे में, ठीक है। तो और अभी इसका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, जिसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी नियुक्ति में कौन कौन, एक समिति के तहत होगी नियुक्ति में, उस समिति में कौन कौन शामिल होंगे, जिसको पता है वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दें, जिसको नहीं पता वो सुन लें। प्रधानमंत्री, सीजीआई प्लस विपक्ष का नेता, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष का नेता, सीजीआई और पीएम, ठीक है। तो ये लोग उस समिति में शामिल होंगे और इसके जो ये सिफारिश करेंगे उसी की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, ठीक
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? सीएजी के द्वारा। कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में 148, 148 में नंबर अनुच्छेद 148 के तहत इसकी बात की गई है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कैग कौन है? मुर्मू साहब। उनका भी सरनेम क्या है? मुर्मू है। और अपने राष्ट्रपति का भी सरनेम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। और ये 2020 से है, ठीक। चलिए अच्छा, वित्त आयोग का आर्टिकल बताइए जरा। वित्त आयोग का आर्टिकल बता दीजिए यहाँ पर, आर्टिकल 280। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रत्येक 5 वर्ष में। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हमने पहले देख लिया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी महान्यायवादी। महा ये दिख रहा है क्या आपको? चलिए कौन हो जाएंगे? महान्यायवादी, न्यायवादी। आर्टिकल बिल्कुल सही, 76। अच्छा वर्तमान में महान्यायवादी हैं कौन? आर वेंकट रमन, वेंकट रमन, ठीक है। ये अभी अक्टूबर 2022 में ही नियुक्त हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, करंट अफेयर में ये भी पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी भारत के कौन हो, ठीक। और ये संसद के किसी सदन में भाग ले सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सदन में सदस्य न होते हुए भी उसका उसमें उसमें बैठ सकते हैं, उसके सुनवाई में या कार्यवाही में, लेकिन मत नहीं देंगे, ठीक। नेक्स्ट आइए, अगला देखिए। भारत सरकार का मुख्य, अच्छा यहाँ एक चीज़ और बता दीजिए कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। लेकिन कौन से नंबर के हैं ये? नंबर बताइए, कौन से नंबर के सीजीआई हैं अपने वर्तमान, ठीक है। अभी आगे बताएंगे, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कमेंट करके। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? वही महान्यायवादी, ठीक है। आर्टिकल 76 सारी चीज़ रिवाइड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आर वेंकट रमन नए महान्यायवादी हैं अपने। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक चीज़ ये है कि जैसे चुनाव आयुक्त के लिए जो एक तरह से समिति की बात की गई है मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, वहाँ पर क्या संरचना होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि इसमें एक समिति है जो सिफारिश करेगी, जिसके तहत राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेंगे। तो समिति में वहाँ पर अलग थे, यहाँ पर अलग है। एक तरह से अलग क्या, पीएम है ना, होम मिनिस्टर है, प्लस विपक्ष के नेता हैं। वहाँ पर सीजीआई थे, यहाँ पर होम मिनिस्टर आ गए हैं, विपक्ष के नेता, ठीक है। चलिए अब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, प्रवीण कुमार इधर लिख, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं अपने नए सीवीसी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 129 नंबर। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? जो भी पहला क्वेश्चन उधर क्वेश्चन आया था, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। ये यही एक पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और वो पारित हो गया है, ठीक है। चलिए इन्होंने बोल दिया था कि मंडल आयोग को, मतलब मंडल आयोग क्या है, जनरली ओबीसी का जो एक तरह से रिकॉग्नाइज करना था कि कौन कौन ओबीसी में आते हैं, जिनको 27% आरक्षण दिया गया है, है ना। मंडल ही मंडल, उनका नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, वही उसके अध्यक्ष भी थे मंडल आयोग के, ठीक है। वो बिहार के रहने वाले थे, तो उन्हीं के सिफारिशों को जो था वो लागू करने के लिए वीपी सिंह ने जो एक तरह से बोल दिया था कि हम इसको लागू करेंगे, उसी के चक्कर में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और वो पारित हो गया था। अविश्वास प्रस्ताव किसकी उपज है? भारत की, ठीक है। चलिए 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? 2 हफ्ते। एक्चुअली 2 हफ्ते एग्जैक्टली नहीं थी, एग्जैक्टली 16 दिन, 16 दिन था, ठीक है। 16 मई से लेकर के 1 जून तक इन्होंने किया था शासन, और इसके बाद भी 1-2 साल के लिए किया, फिर जो उनका पूर्ण एक तरह से पाँच साल कार्यकाल था वो 99 से लेकर के 2004 था, ठीक है। जो एक तरह से पूरा 5 साल का कार्यकाल देखा जाए इनका, तो अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। चलिए और इन्हीं के नाम पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब बताइएगा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस, ठीक है, 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2015 में। 2018 में इनकी डेथ हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए। अभी चैप्टर शुरू हो गया, राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद,
गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं 131वें नंबर क्वेश्चन से। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 131वां प्रश्न जो है अपना वो कह रहा है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्त बाई राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर राज्यपाल का पद होता है। ठीक है, और एक संवैधानिक पद है ये। ठीक है, अभी एक जजमेंट के थ्रू बोला था ना कि राज्यपाल केंद्र के अधीन होता है, उसमें जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्यपाल स्वतंत्र पद है, तो संवैधानिक पद है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? देखिए, इसका उत्तर जानने से पहले आप समझ लीजिए कि भारत में कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, छह राज्य हैं टोटल, छह राज्य में विधान परिषद है। देखिए, दो दो जोड़े में है, एक क्या है, देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, और इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, दो जोड़े में हो गया ना छह, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना खैर यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा अपना? बी, बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, अब विधान परिषद किस आर्टिकल के तहत आता है? इसके गठन का प्रावधान आर्टिकल 169 में बोला गया है। ठीक है, और जो इसके संरचना की बात है, संगठन की संरचना किस तरह से होगा, वो आर्टिकल 171 में है। ठीक, और इसमें एक लिमिट भी है कि जो विधानसभा की, कोई भी राज्य मान लीजिए विधान परिषद का गठन कर रहा है, तो उसमें सीटें कितनी होंगी, उसमें सीटें का प्रावधान किया गया है कि उसका विधानसभा में जितनी सीटें हैं, उस राज्य के विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 अधिकतम होगा। ठीक है, अधिकतम 1/3, और न्यूनतम, न्यूनतम जो हो जाएंगे, न्यूनतम 40। ठीक, अब विधानसभा की बात कहाँ है, जब विधान परिषद की बात हो गई तो विधानसभा की बात है 170 में, कहाँ पर? 170 में। यहाँ पर अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर इकट्ठा, तो याद रहेगा। ठीक है, और देखिए, अब विधानसभा में न्यूनतम सीटें कहाँ पर है? सिक्किम में, सिक्किम में सबसे न्यूनतम है पूरे भारत में, कितनी है? 32 सीटें हैं। ठीक है, जबकि न्यूनतम यहाँ 60 बोला गया है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 371 के तहत, आर्टिकल 371 के तहत यहाँ पर 32 सीटों का प्रावधान किया गया है स्पेशल की वजह से, जो रिकॉग्निशन दिया गया है राज्यों को उसकी वजह से। ठीक है, चलिए, क्या हो गया आंसर आपका? कर्नाटक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? सिंपल सी बात है, आर्टिकल 161 बोला है ना, तो पहले देख के आप राष्ट्रपति मार दें। आर्टिकल 161 ध्यान दीजिए, ठीक है, कौन है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। कौन? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। ठीक, अच्छा एक चीज सुनिए, यहाँ पर विभिन्न राज्यों के राज्यपाल शब्द लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब क्या है कि देखिए, पहले तो प्रावधान ये था कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन सातवें संविधान संशोधन है ना, 1956 में जो सातवां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये कर दिया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान कर दिया गया। अब सवाल पर आइए, वापस बोल रहा है कि आर्टिकल 161 के अनुसार कौन है? राज्यपाल जो है वो जो है सजा माफ करने के लिए प्राधिकारी है ना, अधिकारी था। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल था? आर्टिकल 72 के तहत था राष्ट्रपति का। अब वो कौन कौन से प्रावधान थे, मतलब सजा माफ करने के तरीके कौन कौन से थे, दोबारा याद करिए, कौन था? पार्डन, ठीक है, पार्डन था, पार्डन की हिंदी क्या थी? क्षमा, एक मिनट, क्षमा। ठीक है, लास्ट वाला क्या था? कम्यूटेशन, कम्यूटेशन यानी लघुकरण। ठीक है, उसके पहले रिमिशन यानी, इसका हिंदी देखते हैं, फिर रिस्पाइट, फिर रिप्राइव। ठीक है, ये क्या था? प्रविलंब। ठीक है, ये क्या था? विराम। और ये क्या था? परिहार था, परिहार था। ठीक है, अब देखिए, तो क्षमा वाले में क्या था? पूरी तरह से सजा माफ कर देना। प्रविलंब वाले में क्या था? थोड़ा लंबित कर देना उसके सजा को, ताकि वो अपील कर सके या और कहीं, जैसे राष्ट्रपति के पास आवेदन देते हैं ना इसी चीज के लिए है ना, उस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके।
विराम 20 याद किया था हमने, विशेष स्थिति में जैसे कोई प्रेग्नेंट है महिला, या कोई कैंसर है, या एक दो साल बचाया जीने के लिए उसके उस तरह के कंडीशन में। अब रिमिशन और कम्यूटेशन में, परिहार और लघुकरण में हमने देखा था कि लघुकरण में प्रकृति बदल ली जाती है ना, सजा की प्रकृति बदल करके उसको कम किया जाता है, लेकिन परिहार में बिना प्रकृति को बदले सजा कम किया जाता है। ठीक, अब देखिए राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्ति है। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड माफ करने का भी शक्ति है, हालांकि वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा वो चीज, लेकिन है पावर। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास कोर्ट मार्शल वाले जो निर्णय आते हैं उसमें भी बदलाव करने की पावर है, कम करने की पावर है। ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल है उसके पास कोर्ट मार्शल वाला पावर नहीं है, और मृत्युदंड का जो सजा है उसको माफ करने की पावर नहीं, बाकी सारी पावर है माफ करने की। ठीक है, चलिए, तो उसका राज्यपाल का आर्टिकल 161 और राष्ट्रपति का एक आर्टिकल 72। ठीक, चलिए क्लियर हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलने का प्रावधान नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या, जो महाभियोग शब्द है, महाभियोग यहाँ पर अभियोग शब्द इस्तेमाल किया गया है, महाभियोग शब्द जो है, संधि विच्छेद करिए जरा इसको, इसका जो है संधि विच्छेद करिए, महाभियोग का महाधन अभियोग, ठीक है, कौन संधि हो जाएगी, यहाँ हिंदी नहीं पढ़ना है, चलिए ठीक है। तो महाभियोग का शब्द जो प्रयोग किया गया है वो राष्ट्रपति के लिए किया गया है सिर्फ। ठीक, लेकिन राज्यपाल न्यायाधीश जो नहीं, राज्यपाल नहीं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है जरा, दिख रहा है क्या आपको, चलिए दिख रहा है ना। तो जो महाभियोग शब्द प्रयोग किया गया है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है, बाकी जो मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति हैं, जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति लगाने की, वही प्रक्रिया इनकी भी है, इसलिए अभियोग वाली बात क्या है, इन दोनों पे आ जाती है। अब चूंकि राज्यपाल जो है वो प्रसाद पर्यंत धारण करता है पद, आर्टिकल 155 के तहत हमने देखा था ना अभी, प्रसाद पर्यंत किसके, राष्ट्रपति के, तो उसके लिए अभियोग लाने की बात ही नहीं है। ठीक है, अब हाँ एक चीज ये भी है कि जब तक, जैसे राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, 5 वर्ष का। अब जब तक कार्यकाल इसका खत्म हो गया, लेकिन तब तक नहीं हटेगा जब तक नेक्स्ट वाला अपने पद पर आ नहीं जाता, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने पद धारण के दिन से 5 वर्ष। अब यहाँ पर पद धारण वाली बात क्यों बोली मैंने, वो पंचायत वाले चीज में हम लोग देखेंगे, वहां पर इसका वैल्यू पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल, सही दिख रहा है, भारत के, हाँ भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अभी हमने देखा ऊपर 5 साल का। ठीक है, अगला देखिए, 4 वर्ष किसमें देखा था हमने, सीबीसी में, याद है ना, सीबीसी। ठीक है, चलिए 6 वर्ष राज्यसभा के मेंबरों का, 1/3 हर 2 साल में मतलब रिटायर हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। चलिए अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, अपने उत्तर प्रदेश की ही प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, जो कि पूरे भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, अब देखिए सरोजिनी नायडू कौन, एक इनको भारत की कोकिला बोला जाता है, भारत की कोकिला, कोकिला, और ये प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी, कानपुर अधिवेशन में 1925 में जो हुआ था, 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था ना, उसमें ये जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलिए, और वैसे महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, नहीं, केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, नहीं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही बात है, सलाह इन्हीं का रहता है, लेकिन ऑफिशियल साइंस के रहते हैं, राष्ट्रपति के रहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है, भाई भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 139 नंबर,
राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह राज्य के विधान परिषद की 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। दोनों गलत है। क्यों? एंग्लो इंडियन का जो करता था आर्टिकल 333 के तहत, वो 1 सदस्य को करता था, 1 सदस्य को मनोनीत करता था, ठीक है। हालांकि उसको भी अब रद्द कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है, उसके तहत एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था वो समाप्त कर दिया गया, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, ठीक। तो ये तो गलत वैसे ही हो गया, 2 नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन आएगा, अगर 1 भी लिख के आता तब भी गलत हो जाएगा वो। अब बात जो रही विधान परिषद में मनोनीत करने की 1/4, ये 1/4 नहीं, कितना है, 1/6 है, 1/6 है ना, 1/6, ठीक। चलिए, और 1/6 ये है, रुकिएगा यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ ना, कितने लोग मनोनीत होते हैं, तो कितने कहाँ से आते हैं। देखिए यहाँ पर 1/6 पहले अकेला है, तो इसको ले लीजिए कि राज्यपाल द्वारा मनोनयन, राज्यपाल द्वारा। अच्छा, इसके किस किस क्षेत्र से मनोनयन होता है, जैसे वहाँ राजसभा में किससे होता था, कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा मनोनयन। यहाँ पर एक चीज और हो जाती है, वो चीजें तो है ही, यहाँ पर एक चीज और होगी, सहकारी आंदोलन, ठीक है। सहकारी आंदोलन जो जुड़े हुए हैं उनको भी इसमें मनोनयन किया जाता है, सहकारी आंदोलन वाले को भी। अब बाकी वो चीजें हैं ही इनसे जो केंद्र के लिए थी। अब देखिए 1/3 और 1/3, 1/3 विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य, और 1/3 जो ग्राम सभा के होता है ना, ग्राम सभा का निर्वाचन होता है उसके सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के मतलब जिला निर्वाचन जो प्रतिनिधि होते हैं एक तरह से वो। और 1/12 ये, और 1/12 ये, देखिए एक तो ये जो माध्यमिक शिक्षा अधिकार शिक्षा शिक्षक हैं है ना, प्राथमिक विद्यालय वालों को छोड़ करके वो शामिल हो जाएंगे, और इधर जो स्नातक हैं, वो स्नातक जो 3 साल स्नातक जिनको स्नातक की 3 साल हो चुके हैं वो, ठीक है। और यहाँ पर शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय वालों को छोड़ करके बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और इसके क्षेत्र से मनोनयन होता है साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा और सहकारी आंदोलन राज्य के लिए, लेकिन केंद्र के लिए वही चीज कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है, राज्यपाल को। इसको सत्रावसान करने की शक्ति है, सत्राहूत करने की भी शक्ति है, सत्र विघटन करने की भी शक्ति है, लेकिन स्थगित करने की विधानसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 147 नंबर बोल रहा है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिकतम से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। हमने ऊपर बात की थी ना, आर्टिकल 170 में बात की गई है इसकी विधानसभा की, और न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। विधानसभा में विधान परिषद में जिसकी बात की गई है गठन की 169 में, और संरचना 171 में, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ विधानसभा, और इसमें अधिकतम न्यूनतम क्या है, अधिकतम जो है वो विधानसभा के साइज का 1/3 और न्यूनतम 40, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा में क्या बात थी, अधिकतम 550। क्यों, अब दो जो एंग्लो इंडियन वाले थे उनको हटा दिया गया, इसलिए 550 हो जाएगा, ठीक है। और जो राज्यसभा है इसमें अधिकतम 250, वर्तमान में कितने हैं, 543, ठीक है। चलिए ऐसे 545 है, 245 है, 245। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, और केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो मनी बिल की बात किसमें की गई है, केंद्र की मनी बिल की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 110 में, फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 में, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 117 वाले, ठीक है, मनी बिल 110। अब वित्त आयोग 280 हमने ऊपर बात की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब देखिए, अच्छा चलिए इसी में देख लेंगे हम लोग, देखिए अगला चैप्टर जो है ना न्यायपालिका, 7वां चैप्टर क्या है, न्यायपालिका, ठीक है। तो इसका 143 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो ये क्या है, 65 वर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर 2-3 बातें सुन लीजिए ध्यान से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल है, ठीक है। अब देखिए हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसकी सैलरी प्लस पेंशन कौन देगा, भारतीय संचित निधि से आएगा, लेकिन हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी जो सैलरी है वो स्टेट की संचित निधि से आएगा, राज्य की संचित निधि से आएगा, लेकिन पेंशन
केंद्र की संचित निधि जाएगा, ठीक है, केंद्र की संचित निधि से पेंशन जाएगा उसका, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज कर देता है कई बार क्वेश्चन में, ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 124 में, ठीक है, भाग 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है, सरकारी आयोग बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, ठीक है, 1983 में इसका गठन किया गया था, ये सरकारी जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, ठीक है, तो ये हो गया और ठीक है। चलिए इसके, अच्छा इसमें तो ये क्वेश्चन ये लूसेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी दे रखा है, इसमें जो उसके सदस्य थे दो लोग, एक शिवरामन और एक ये बी शिवरामन हो गए, एक डॉक्टर एस सेन थे, सेन सबसे याद रखिए सरनेम से, ठीक है, सेन और शिवरामन जी इसके सदस्य थे, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है तो आ सकता है इसका इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है, तभी बात की हमने आर्टिकल 124, ठीक है, चलिए चुनाव आयोग किसमें था, 324 से लेकर के 329 तक उसमें प्रावधान था, 329 324 में उसकी बात थी गठन की। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा आखिरी क्वेश्चन है, आर्टिकल 108 बताइएगा किससे संबंधित है, आर्टिकल 108 कमेंट बॉक्स बताइए। चलिए, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, किस याचिका के तहत, अच्छा पहले इसको आंसर कर लीजिए फिर आइए वीडियो पे, ठीक है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है, देखिए किसमें दिया जाता है, लंबित है यानी परमाति ये उत्प्रे परमादेश नहीं उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, ठीक है। अब यहां समझ लीजिए क्या है, एक होता है प्रतिषेध, एक होता है उत्प्रेषण, ये हमने डिस्कस किया हुआ पहले, वैसे प्रतिषेध है ना, प्रतिषेध में क्या है, जब कोई चीज प्रोसेस में चल रही हो, जब इससे कोई मामला है और वो चल रहा है और उसमें वो अधिकार क्षेत्र से ज्यादा बाहर जाकर के या गलत तरीके से उसका जो न्यायिक प्रक्रिया वो हो रही है, तब प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। अच्छा रिट जारी किस आर्टिकल तक किया जाता है, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, ये किसका भाग है, मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार का आर्टिकल, ठीक। और राज्य 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 उच्च न्यायालय किसे करती है, 226 के तहत, ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। और उत्प्रेषण में क्या है, किसी मामले को स्थानांतरित करवाने के लिए अपने पास, या कोई लंबित चल रहा हो या उसका निर्णय आ चुका हो, ठीक है, उस मामले में, और निर्णय को अधिकार क्षेत्र से जाकर बाहर दे दिया गया हो या गलत दे दिया गया हो, ठीक है, तो उसके मामले में उत्प्रेषण जारी किया जाता है। बाकी रिट कौन से हैं, परमादेश, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, तीन ये हो गए, दो ये, पांच हो गए, पांच प्रकार के रिट होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। जिन्होंने इसके बारे में जानना है वो पहला वीडियो या पता नहीं किसी मौलिक अधिकार वाले वीडियो में बात किया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, प्रथम महिला न्यायाधीश, अच्छा इसके पहले एक क्वेश्चन बताइए कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, हीरालाल जे कानिया, कौन है, हीरालाल जे कानिया साहब, ठीक है। अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, ये भारत के प्रथम CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, अब कभी कभी मीरा साहिब लिख देगा, मीरा साहिब, तो इनका पूरा नाम क्या है, मीरा साहब फातिमा बीबी, पूरा नाम है इनका फातिमा बीबी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लीला सेठ कौन है, ये क्या लिखा है, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश, और जो लीला सेठ है वो किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, लीला सेठ किसकी थी, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, तो अब पूरे भारत की हो गई वो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ की ग्रहण की, अब देखिए ये उस वक्त 2016 में क्वेश्चन आया था तो करंट क्वेश्चन था ये, उसी तरह इस बार भी आ सकता है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो कौन हो जाएंगे, DY चंद्रचूड़। इसी तरह से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखने की जरूरत है कि इस साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नवसृजित उच्च न्यायालय है, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन सा है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। और अभी हाल में 25वां, टोटल इससे पहले 24 थे हाईकोर्ट, 25वां कौन बन गया है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में,
अच्छा अभी बताइएगा क्वेश्चन की आंध्र प्रदेश का नई राजधानी जो है कौन सी प्रस्तावित है, नई राजधानी कौन सी प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण, ये क्वेश्चन फेमस है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट, क्यों, इसमें 160 जजेस हैं, अंतर्राष्ट्रीय वाले में 15, सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं 34 हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम 10 साल के लिए, इसके लिए 10 साल के लिए, अभी क्या देखिए एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति की बात की गई है, ठीक है, देखिए सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 10 साल बोला है मैंने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कम से कम वह 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे अदालतों में उत्तरवर्तन में वकील, ये वकील शब्द इंपॉर्टेंट है, रहा हो, वकील वाली बात आएगी तो 10 साल की बात होगी, ठीक है, और अगर यहीं पर जज की बात आई हो, हाई कोर्ट के जज की बात, वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास ऐसे जज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वही क्वेश्चन है अगला, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा करने की आवश्यकता होती है, 5 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो चैप्टर शुरू हो रहा है अपना पंचायती राज, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो पंचायती राज देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पंचायतों को सांविधानिक दर्जा किस अनुच्छेद का दिया गया है, तो अनुच्छेद 243 के तहत। अच्छा, पंचायती राज किस अनुसूची में है, अनुसूची 11, ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत आया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था लेकिन 93 में लागू हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। अब पंचायती राज दिवस कब शुरू हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये 24 अप्रैल 2010 से शुरू किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, प्रधानमंत्री जो है अपने 24 अप्रैल 2010 से शुरू किया गया था इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, ये देखिए पीसीएस वगैरह में भी ये सब फेवरेट क्वेश्चन है ना, यही बार बार रिपीट होते रहते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कब बनी थी, बलवंत राय मेहता 1957 में। अब देखिए ये अशोक मेहता कब बनी थी, अशोक मेहता कमेटी, ये भी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, इसने 1977 में बना था, ये इसने बोला था दो स्तरीय, है ना, अशोक मेहता कमेटी ने, क्वेश्चन आया था कभी कभी दो स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात किसने की है, तो अशोक मेहता कमेटी ने बात की है, और त्रिस्तरीय वाली बात बलवंत राय मेहता कमेटी, 1977 हो गया, ये 1957, ठीक है। जीवी के राव भी है, जीवी के राव है ना, ये 1985 में है, ये अरेंजमेंट आ जाता है कई बार, है ना, और एल एम सिंघवी वाला 1986, ये 85-86 याद रखिएगा, और ये 57-77 20 साल का गैप है, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है, तो अनुच्छेद 40, ठीक है, किसका, डीपीएसपी का। अब देखिए डीपीएसपी पूरा रिवाइज होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ना, बिल्कुल, चलिए कर लेते हैं रिवाइज, है ना, रिवाइज जाएगा तो रिकॉर्ड तो कनेक्ट हो जाता है चीज़ें, ठीक है। देखिए डीपीएसपी में बात किसकी, किस भाग में बात की गई, भाग 4 में, ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, 36 में डेफिनेशन है, 37 में क्या है कि प्रत्यावर्तित प्रति क्या मतलब इसको लागू करवाया नहीं जा सकता वैसे कोर्ट में जाकर के, अगर लागू नहीं होता है तो, ठीक है, एक तरह से ये आदर्श है, और 38 में क्या है कि ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो है न्याय उपलब्ध कराएगा, समान अवसर उपलब्ध कराकर सामाजिक कल्याण की बात करेगा, ठीक है, और 38 हो गया। 39 में क्या बात की गई है, 39A में, कि महिला और पुरुषों को दोनों को रोजगार के समान अवसर दिए जाएंगे, है ना, ए में, और बी में क्या किया गया है कि जो राज्य का उत्पादन होगा उसमें समान मतलब कि न्यायपूर्ण वितरण होगा उसका, राज्य के उत्पादन का न्यायपूर्ण वितरण होगा। सी में क्या बोला गया है, सी में बोला गया है कि जो पूंजी है वो केंद्रित होकर किसी एक के पास नहीं रहेगी, उसका जो है राज्य सुनिश्चित करेगा कि समान वितरण उसका, समान पहुंच सबकी उस पर सुनिश्चित हो, ठीक है, समान पहुंच उसकी लोगों की सुनिश्चित हो उसके पास तक। डी में क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा दोनों को, ठीक है। अब चलिए 39A जो 43 42 में संविधान संशोधन के तहत बोला गया था, ऐड किया गया था उसको, 39A को और 43A को, 43A को और 48A को भी। 39 में क्या बोला गया है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ठीक है, और फिर 40 में क्या जाती है, 40 में वही बात, ये अपना ग्राम पंचायत के गठन की बात की जाती है, पंचायत व्यवस्था की बात की जाती है। 41 में हम देखिए 41 42 43 43A 43A, यही हमने अरेंट मतलब करंट करके याद किया था ना। 41 में क्या था कि कुछ दशाओं में रोजगार पाने का अवसर, ठीक है, मतलब रोजगार पाने का अधिकार। 42 में क्या था, जब रोजगार है तो मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, है ना,
प्रसूति व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें। 43 में क्या है, जब ये व्यवस्था हो गई उसके बाद इसका क्या हो जाएगा कि जो निर्वाह न्यूनतम निर्वाह मजदूरी है उसकी बात की गई, वो मिलना चाहिए। 43 में क्या बोला गया है, संविधान संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये बोला गया है कि इसमें जो है श्रमिकों का उद्योग में सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है, उनका भी पार्टिसिपेट होना चाहिए उद्योग में। अब देखिए आर्टिकल 44 क्या हो जाता है, आर्टिकल 44 बोलता है कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, जिसकी बात चल भी रही है आजकल। आर्टिकल 45 वही जो बच्चे हैं उनका जो अभिभावक है उनकी जिम्मेदारी है कि उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं, ठीक है। 614 क्या बोलते हैं ये 0-6 वर्ष तक के लोगों को, ठीक है। और फिर 46 में आ जाइए, 46, 47, 48 ये क्या बोलता है भाई, पर्यावरण वाली बात, पर्यावरण, ठीक है। 48 क्या बोलता है, वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन, वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन पालन, ठीक है। 47 क्या बोलता है, वो मादक पदार्थ पर रोक और लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर सरकार ध्यान दे। 46 क्या है भाई, SC ST प्लस पिछड़ा वर्ग का जो है आर्थिक और जो एक तरह से सामाजिक सहयोग है वो किया जाए राज्य द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 49 वही प्राचीन स्मारकों का संरक्षण करना है। आर्टिकल 50 राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। पूरा रिवाइज हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 156 नंबर, पंचायत, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, अभी देखा हमने DPSP, है ना, मौलिक कर्तव्य भाग 4A आर्टिकल 51A, मूल अधिकार भाग 3 और 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 157, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की, राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में ये शुरुआत हुई थी, ठीक है, पंचायती राज की व्यवस्था की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वोत्तम महिला सरपंच है, छवि रजावत, ये 2010 में बनी थी, ठीक है। छवि रजावत जो है ये पहली महिला सरपंच है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है, देखिए ग्राम सभा की बात जो है वो 247A में की गई है, जिला पंचायत 247B में कर दी गई है, ठीक है। देखिए, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, ठीक, वो सब उसमें शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, किसके द्वारा घोषित किया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमने बात की ना पहले क्वेश्चन में, 2010 में पहली बार 2 अक्टूबर 2010 को, नहीं 24 अप्रैल 2010 को, 24 अप्रैल 2010 को बनाया गया था पहली बार, किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था 2010 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है, वही चीज हमने देखा अभी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। अच्छा, यहाँ कुछ चीजें और देख लीजिए, देखिए जैसे 243 एक आर्टिकल डी है, 243D, इसमें जो है आरक्षण की बात की गई है, अभी आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे, आगे लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपलब्ध है, इसमें पंचायती राज निकायों में, बाकी सब में नहीं है, ठीक है, सिर्फ पंचायती राज निकायों में ही इसकी बात की गई है, किसमें, आर्टिकल 243D में, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये देख लीजिए, जैसे देखिए पंचायत वाली जो बात है ये भाग 9 है, ठीक है, और जो अनुसूची है वो 11 है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 243 से लेकर के 243O तक, और जो नगर निकाय है नगर पंचायत वो किसमें है, 9B में, भाग 9B में है, ये 74वें संविधान संशोधन तक आया है, इसका आर्टिकल क्या है, 243MNO हो गया, 200P से लेकर के 243ZG तक। अब एक 9A है ये, सॉरी 9A नगर पंचायत जो 9A है, 9B कौन सी है, सहकारी समितियों वाली, ये इसका आर्टिकल क्या है, 243ZH से लेकर के 243ZT तक, ठीक है, तो ये अपना याद होना चाहिए, ठीक। तो 243D में ही बात की गई महिलाओं के आरक्षण की, हालांकि पहले एक तिहाई सीटों पर आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन अभी 2009 से क्या कर दिया गया है, भारत सरकार ने अलाउ कर दिया है कि सिर्फ, देखिए अभी वर्तमान सिर्फ 7 राज्यों में ऐसा नहीं है, बाकी सभी राज्यों में 50% आरक्षण की बात की गई, जिसमें यूपी भी है, इन 7 राज्यों में यूपी भी है, यूपी में सिर्फ 33% सीटों पर आरक्षण है महिलाओं के लिए, लेकिन बाकी 7 राज्यों के अलावा जो भारत के बाकी राज्य हैं उनमें 50% आरक्षण की बात कर दी गई है पंचायत निकायों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसमें राज्य वित्त आयोग की बात कहाँ की गई है, राज्य वित्त आयोग,
राज्य वित्त आयोग की बात की गई आर्टिकल 243 आई में, पंचायत वाले में लिए आई में और उसके लिए वाई में, ठीक है। चलिए और एक और क्वेश्चन है कि राज्य इसका निर्वाचन कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है इसका निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। किस आर्टिकल में है ये, 243 के में है, ठीक है। चलिए इतनी चीजें याद रखिएगा आप, इसको बार बार सुन लेंगे तो याद रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान ने 2 अक्टूबर को किया था और आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर को किया था, दोनों ने 1959 यानी 1959 में ही किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 164 पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर, वही चीज नागौर हमने देखा था, राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, देखिए नागालैंड में नहीं है, ठीक है नागालैंड में नहीं है, एक मिनट रुकिएगा। अभी आवाज आ रही होगी, देखिए हाँ क्या था, राज्य प्रणाली नहीं है, देखिए नागालैंड में नहीं है, ठीक है, जो जो उसके स्वायत्त राज्य है, स्वायत्त जिले हैं उसके नागालैंड के, वहां पर नहीं है। मणिपुर में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर नहीं है। पश्चिम बंगाल जो है ना अपना, पश्चिम बंगाल उसका जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो गोरखा रेजिमेंट, गोरखा परिषद जितनी है, वहाँ पर भी ये चीज़ लागू नहीं है। अच्छा ये बात किसमें की गई है, इन चीज़ों की बात की गई है आर्टिकल 243 एम में, क्लॉज एम में बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 243 एम में बात की गई है इन जो जहाँ पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ठीक। हिमाचल प्रदेश का क्या देखा था हमने अभी, अच्छा हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1972 में, गोवा का 1987 में, ठीक है, सिक्किम का 1975 में, ऐसे याद रख लीजिए, नागालैंड का 1963 में, ठीक है। चलिए रिवाइज हो गया हल्का हल्का। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता, बताइए आप, बताइए आप, बताइए 1977, बिल्कुल सही, जी वी के राव 1985 1985 और एल एन सिंह भी 1986। चलिए किस समिति ने त्रिस्तरीय, वही सवाल बिल्कुल बार बार, बलवंत राय मेहता। अच्छा अगर द्विस्तरीय पूछ लेगा तो अशोक मेहता रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ की मंच स्थापित किया, तो किसमें, बलवंत राय मेहता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को, लोड हो जाओ भाई, हाँ, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, 2/3, 2/3 पंचायत। अच्छा इसमें एक चीज ये भी है, जैसे मान लीजिए पहले एक साल तक तो पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, और दोबारा ला दिया गया, पहली बार में ला दिया गया एक साल के बाद, और जब वो पारित नहीं हुआ तो फिर एक साल के नहीं लाया जा सकता है, ऐसा ही प्रावधान है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2/3 लोगों का समर्थन आवश्यक है। अगला देखिए, 170, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, तो ग्राम सहकारी संस्था ही पंचायती राज संस्था नहीं है, बाकी ग्राम सभा देखा ही आपने, ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत जो उसका एक अंग है, ठीक है। तीन स्तरीय पता कौन कौन सा है, ग्राम सभा ब्लॉक लेवल पर, एक जिला लेवल पर, ठीक, तीन स्तर पर है। और ग्राम सभा जो ब्लॉक लेवल पर वो तभी होगा जब 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी वहां की, 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी वहां की, तभी वो चीज लागू होगा वहां पर, ब्लॉक स्तर पर तभी गठित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, वही चीज, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को ही 1993 में लागू हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। और 24 अप्रैल को मनाया कब से जा रहा है, 2010 से, किसके, कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये घोषित किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चल अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की पंचायती राज व्यवस्था कौन सी है, पंचायत, ए में ग्राम सभा, ठीक है, ये बी पंचायत, पंचायत ब्लॉक लेवल पर है, ग्राम पंचायत के तंत्र के, ग्राम पंचायत तंत्र के तीन स्तर, ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति, कौन होती है, पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है, बिल्कुल तीन स्तर हो गए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष, किस संविधान संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 74वां क्या है। अच्छा देखिए, पंचायती राज प्रणाली में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, कितने विषय हैं, 29 विषय, और नगर वाले में 18 विषय हैं, ऊपर वाले में ज्यादा है, नीचे वाले में कमी आ जाती है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 74वां, 1992 में ये भी हुआ था, 93 में ये लागू हुआ था, 73वां वाला। 170 देखिए, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार, ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, कितने, 50%,
सिर्फ 7 राज्यों को छोड़कर के बाकी पूरे राज्य ये लागू कर चुके हैं। अच्छा जरा क्वेश्चन बताइए, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, अगर पता है बहुत अच्छी बात है। 75 हो गया ना, हाँ 50% ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक नहीं है, वही चीज नगर परिषद, ये नगर पंचायत में आता है, 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया है, बाकी ये जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये क्या है 3 चीजें जो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई। देखिए ये उस साल के लिए एक तरह से करंट क्वेश्चन था, है ना, लेकिन ये 25वीं थी वैसे, है ना, और इस बार जो है 30वीं मनाई जाएगी 2023 में, 2022 में 29वीं मनाई गई थी, इस बार 30वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इसी वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इसका जो इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा इसका, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो बायोलॉजी शुरू होगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा अपना। ठीक है, बाकी फीडबैक दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा क्लास आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।